कश्मीर घाटी में एक बार फिर आतंकियों द्वारा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को निशाना बनाया गया है। जानकारी के अनुसार सोमवार को आतंकियों द्वारा केरीपू बल के एक काफिले पर फायरिंग की गई। हमला श्रीनगर के पास सेमपोरा इलाके के पंथा चौक में हुआ, जिसमें एक जवान शहीद हो गया जबकि 5 अन्य घायल हो गए। हमले में एक स्कूली बच्ची सहित 2 नागरिक भी घायल हो गए। हमला उस वक्त हुआ जब जवान श्रीनगर में अपनी चुनावी ड्यूटी के लिए आ रहे थे। घायल सभी जवानों को सेना के बेस अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। इसमें कुछ कंपनियां जो कि चुनाव ड्यूटी के लिए जम्मू से श्रीनगर आ रही थी, जिन गाड़ियों के ऊपर सैमपुरा के पास आतंकवादियों द्वारा फायर किया गया है, इस फायर में हमारे 6 जवान इंजर्ड हुए हैं जिनको हॉस्पिटल पहुँचाया गया है। सर्च ऑपरेशन इलाके में जारी है, इलाके को सर्च किया जा रहा है और अभी ऑपरेशन चल रहा है। देखिए, अभी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट हैं, ऑल्दो जो भी इस तरह की चुनौती सामने आएगी उसको अच्छी तरह से निपटा जाएगा। हमला उस वक्त हुआ जब जवान श्रीनगर में अपनी चुनावी ड्यूटी के लिए आ रहे थे। घायल सभी जवानों को सेना के बेस अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। हमले के बाद घटनास्थल के पूरे इलाके को सीज करते हुए गहन तलाशी अभियान चलाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्ली टाइम्स।